देखिए याद रखिए, हम सालार के पैरों के पास बैठ के सियासत सीखे और सालार ने कई चीजें सिखाई। उसने एक चीज सालार ने बताई कि कभी किसी का कर्जा बाकी नहीं रखना। राहुल गांधी तुम 50 साल के हो चुके हो, मैं माशाल्लाह शादीशुदा भी हूं, माशाल्लाह औलाद भी है, अब आप बताओ आपका क्या करना। अब बोलते यार यार, अरे मेरे भाई 50 साल के बाद तो यार की याद आएंगी ना, तो आप कुछ कर लो इंतजाम, कुछ कर लो इंतजाम। अरे ये क्या कर रहा आपका आरएसएस सन्ना, कुछ तो करा दे प्यारे, कुछ तो फायदा करा दे। मगर हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, इंशाल्लाह इल्जाम कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ इल्जाम लगा रहे। अरे 60 साल से मजलिस पर इल्जाम लग रहा, मगर लाखों सलाम आप पर, अल्लाह सुभाना व तआला ने फजल और करम किया और अल्लाह ने हमको कामयाब और कामरान किया। इल्जामात लगते रहेंगे मेरे भाई, जो सच्चाई के रास्ते पर जिद्दोजहद कर रहा है तो इल्जाम तो लगेगा, जितने इल्जाम लगेंगे उतनी शिद्दत से हम मुकाबला करते रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आरएसएस बीजेपी मुत्तहिद होकर मजलिस के खिलाफ आ रही है, आप तमाम से अपील है कि और अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुभाना व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े तुफैल में सरजमीन हैदराबाद को पाक और साफ रखे। अल्लाह यहाँ से फिस्ताई ताकतों को, यहाँ से फिरका परस्त ताकतों को अल्लाह अपने फजल और करम से कांग्रेस बीजेपी आरएसएस राहुल और मोदी को एक इबरतनाक शिकस्त से नवाज दे। या अल्लाह गोशा महल से जिसने बकवास बकी अल्लाह उसको शिकस्त दे दे, मजलिस को सुरखरू कर दे, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कर दे। तुझे वास्ता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका बिउम्मी वला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।